free.me domain, I'm sure आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप .me domain ले सकते हैं फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक प्रोफ। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑफ़र सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए सबसे पहले आप GitHub स्टूडेंट पैक की वेबसाइट पर जाओ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास GitHub स्टूडेंट पैक है तो फिर सही है, या आप अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करो। अगर आपने अभी तक GitHub स्टूडेंट पैक नहीं लिया है तो मैं आई बटन में वीडियो डाल रहा हूँ, आप यहाँ जाकर GitHub स्टूडेंट पैक ले सकते हो ईजिली। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने GitHub स्टूडेंट पैक ले लिया है और लॉगिन भी कर लिया है। अभी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो और नेमचीप पे आ जाओ। और यहाँ क्लिक करो। अब यहाँ आप सर्च करो जो भी आपको डोमेन चाहिए। मैं सर्च करता हूँ techprof.me और देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। वाओ, इट्स अवेलेबल हियर। मैं इसको कार्ट में ऐड कर लेता हूँ। अगर आपकी डोमेन अवेलेबल नहीं है तो आप डोमेन में कुछ चेंज करके ट्राई कर सकते हैं और फिर कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करना है। अब यहाँ GitHub पेजेस को चूज़ करो और स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ आप GitHub की प्राइमरी ईमेल डालो और फिनिश अप पे क्लिक कर दो। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है नेमचीप पे तो आप लॉगिन कर सकते हो डायरेक्ट। मेरा नहीं है तो मैं नया अकाउंट बना लेता हूँ। अब यहाँ पे आप यूज़र नेम, पासवर्ड, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर जैसी डिटेल्स डालो और क्रिएट पे क्लिक करो। अभी ऑर्डर कन्फर्म कर दो। सेटअप योर GitHub अकाउंट पे क्लिक करो, ये बाद में आपके काम आएगा होस्टिंग के लिए। तो अब GitHub अकाउंट भी सेटअप हो गया है और आपको डोमेन भी मिल गई है फ्री में एक साल के लिए। आई विल टेल यू अबाउट फ्री होस्टिंग फॉर योर डोमेन इन माई अपकमिंग वीडियोज, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल देन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Please like the video, subscribe to our channel and hit that bell icon for more videos just like this one. And don't forget to follow us on our social handles. Thank you for watching it guys. If you have any query, you can always comment it down and I'll try my best to resolve it. Share it with your friends so that they can also use this to get free .me domain and create their own website.